रिकॉर्डिंग शुरू हो रहा है। हेलो तो ये दूसरा टॉपिक हम ले रहे हैं। यहाँ स्क्रीन पर आपको सिलेबस दिखाई दे रहा होगा। अगर मोबाइल में थोड़ा कम दिखता हो तो मैं जूम करके देता हूँ। युग निर्माण वांग्मय की आवश्यकता एवं महत्व। तो अपने जो मुख्य रूप से 70 वांग्मय है वो कौन-कौन सी समस्याओं को कवर करते हैं, जो आज आज के मनुष्य की समस्याएं हैं, आज के मानव जीवन की जो समस्याएं हैं, कौन से समस्याओं को कवर करते हैं, उसका हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा जो पूरा सिलेबस है वो स्वास्थ्य समस्याओं पर ज्यादा फोकस्ड है, लेकिन स्वास्थ्य में केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी इंक्लूडेड है। तो वो चारों प्रकार के स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए ये अपना सिलेबस बना हुआ है। तो जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए इस सेमेस्टर में वो है 39 नंबर का वांग्मय, निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र। और थोड़ा मुझे लगता है जूम करना चाहिए। हाँ तो थोड़ा भले ही स्क्रॉल करना पड़े। अब आप पढ़ पा रहे हो क्या? मैं तो मोबाइल में पढ़ पा रहा हूँ। यस सर, यस सर दिख जी रहा है। सर, पढ़ ले रहे हैं। बढ़िया। तो स्वास्थ्य समस्याओं में 39 नंबर का वांग्मय बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे भी कुछ वांग्मय तो ऐसे हैं कि अगर आप कहीं जॉब मिल जाए और आपको लगे कि क्या इन्वेस्टमेंट करें, तो मैं तो कहूंगा कि सबसे पहले 70 वांग्मय की एक लाइब्रेरी अपने घर में बनाओ या कहीं आसपास की लाइब्रेरी में उसको डोनेट करो, तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण काम हो जाएगा। पर अगर सारे वांग्मय नहीं ले पा रहे हैं, आजकल तो उसमें डिस्काउंट भी मिल रहा है, पर फिर भी 5-7 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाता है। पर सपोज कि आपको एक दो वांग्मय ही लेने हैं, तो योग के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, सभी विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य को हम कैसे बनाए रखें, उसके लिए ये 39 नंबर का वांग्मय बहुत अच्छा है। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र, उसमें जैसे इसमें हमने क्या किया है कि वांग्मय का फोटो और उसके साथ उसमें मुख्य मुख्य जो चीजें हैं, वैसे तो इससे ज्यादा चीजें कवर होती है, पर हमने लगभग लगभग चार पांच या इस तरह से टॉपिक्स कवर किए हैं कि इतने टॉपिक्स हैं वो इस वांग्मय में विशेष रूप से कवर होते हैं। और भी चीजें कवर होती है पर इतने तो विशेष रूप से कवर होते हैं। तो उसमें जैसे है हमारे खान पान, रहन सहन के तरीके एवं पहनावा। खान पान से ही स्वास्थ्य ठीक रहता है ना? आप योग करेंगे और खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे तो स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। तो उसकी सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। फिर जो लोग दारू वगैरह पीते हैं, तो मद्यपान एक घातक कुटेव, तो उनको हम क्या काउंसलिंग करें, उन लोगों को कैसे समझाएं जो आजकल युवा है वो पार्टी में सब जगह दारू वगैरह पीते हैं, तो ऐसे लोगों को हम किस तरह से क्या सलाह दें, किस तरह से उनको रोकें, है ना, किस तरह से उनको एक सही दिशा दें। तो ये सारी चीजों का मटेरियल, क्योंकि नॉलेज बहुत महत्वपूर्ण है ना। एक तो है अपना खुद का अनुभव, एक तो अपना आचरण है कि भाई हम अगर नहीं पीते हैं तो सामने वाला हमारी बात को सुनेगा, और दूसरा है कि हमारे पास जो भी हम बताने लायक हो वो पूरा फैक्ट के साथ, फिगर्स के साथ बहुत अच्छे से हमने बनाया हुआ हो, चाहे प्रेजेंटेशन हो या हमारी बात हो, वो हम बहुत अच्छे ढंग से अगर प्रस्तुत करते हैं तो सामने वाले को वो अपील कर जाता है और हो सकता है कि वो इस तरह के कोई काम ना करे और उससे बचे रहे। इसी तरह मांसाहार है, पूरी दुनिया में हम लोग जो भी शाकाहारी है वो बहुत ही कह सकते हैं कि हम लोग माइनॉरिटी में हैं। जहां भी जाओ विश्व के जो बड़े बड़े धर्म हैं, यहूदी, क्रिश्चि, इस्लाम और बौद्ध धर्म, चारों के बहुत सारे लोग हैं। यहूदी तो कम है लेकिन बौद्ध, इस्लाम और क्रिश्चियन बहुत सारे हैं पूरी दुनिया में। तो जो बौद्ध धर्म भी जो अहिंसा के बेस पर था, वो भी आज अगर बौद्ध कंट्रीज देखो सब जगह नॉनवेज, भारत में भी देखो तो बहुत सारा नॉनवेज इतना ज्यादा फैला हुआ है। तो हमें ये चीजें भी पढ़नी चाहिए
कि क्या इसमें तर्क दिया है ना, किसी व्यक्ति को हमें शाकाहारी बनाना है, किसी व्यक्ति को हमें ऐसा कुछ बताना है तो हम क्या बताएं, है ना। फिर इसी तरह तंबाकू भयानक दुर्व्यसन के बारे में इसमें बताया है। इसके बाद 40 नंबर का वांग्मय है, तो ये चिकित्सा उपचार के विविध आयाम, उसमें आसन प्राणायाम शायद ये योग के सिलेबस में भी होगा, बाल रोग एवं स्त्री रोग चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा विज्ञान, फर्स्ट एड, ये सारी चीजें इसमें दी है। फिर 41 नंबर, ये तीन वांग्मय है स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, और भी है, विशेष रूप से तीन वांग्मय महत्वपूर्ण है, 39, 40 और 41। ये वांग्मय के नंबर वगैरह सब उससे परिचित है ना, कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है हम किस किताबों की बात कर रहे हैं, ऐसे तो कोई नहीं है। चलो मान लेते हैं कि सबको पता है, अपने लाइब्रेरी में ग्राउंड फ्लोर पर ही है ये सब किताबें, तो वांग्मय मतलब ये थोड़ी बड़ी किताबें हैं, थोड़े बड़ा उसका हार्ड बाउंड है ना, तो ऐसे 70 वांग्मय मुख्य रूप से हैं, और भी कविताएं और सब प्रकाशित हो चुके हैं, पर हम यहाँ फोकस मुख्य 70 वांग्मय पर कर रहे हैं। तो ये 41 नंबर का है, रोगों का कारण और निवारण, कल्प चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, उपचार, मसाला वाटिका, ये सारी चीजें इसमें 41 नंबर में वांग्मय में दी है। अब ये स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या, और स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, शरीर से ही हमारा सारा जीवन है ना, शरीर से ही हम धर्म का पालन करते हैं, तो इसलिए स्वास्थ्य को सबसे पहले लिया गया है। दूसरा जो हम लोग यहाँ सीखते हैं, लाइफ मैनेजमेंट, जीवन प्रबंधन, आजकल के युवाओं में जीवन प्रबंधन कौशल की भी कमी दिखी जाती है, आईआईटी में एडमिशन भी मिल गया और फर्स्ट रैंक नहीं आया और स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, है ना। फिर बहुत अच्छी जॉब में थे फिर भी थोड़े से विचलित हुए और सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। तो ये सारी चीजें जो आजकल देखी जा रही है, तो कह सकते हैं कि जीवन प्रबंधन की स्किल्स नहीं है उनके पास, जो लाइफ स्किल्स होनी चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे आप पैसा कमाते हो या ना कमाते हो, पर अगर आपके पास लाइफ स्किल्स है तो आप अपने माता पिता को कभी दुखी नहीं करोगे, क्योंकि उनके लिए क्या होता है, बच्चे का जिंदा रहना, बच्चे का स्वस्थ रहना जरूरी है। जिन माता पिता के बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं, या जिन माता पिता के बच्चे हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, तो उनका जीवन बहुत ही दुखमय हो जाता है। इससे तो अच्छा है कि व्यक्ति भले ही नहीं कमा पा रहा है, प्रयास कर रहा है लेकिन नहीं इतना कमा पा रहा है, तो आजकल ये देखा गया कि भाई सरकारी नौकरी है या अच्छी खासी इनकम है, तो माता पिता बच्चों की परवरिश करते रहते हैं, बड़े होने पर भी करते रहते हैं, है ना। पर फिर भी एटलीस्ट ये है कि जिंदा है, अगर कुछ घर के काम में हाथ बटाते हैं तो काम चल जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो जीवन को समझने की जरूरत होती है, तो जीवन प्रबंधन कौशल जो यहाँ सिखाया जाता है उसी के आधारित एक वांग्मय है, जीवन देवता की साधना आराधना। इसमें भी बहुत अच्छे से ये सब चीज दिया है कि जीवन ही एक देवता है। चलो बताओ कौन सा एक प्रज्ञा गीत है, एक आध लाइन गा के बताओ। सर गाना तो नहीं आता पर वो एक लाइन हाँ याद है उसका, जीवन के देवता को आओ तनिक संवारे, ऐसी कुछ है। हाँ बहुत बढ़िया। जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे, जीवन ही देवता है क्यों और को पुकारे, जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। जो लोग कर्मकांड में विश्वास नहीं करते, जो लोग हिंदू धर्म में विश्वास नहीं करते, उन लोगों को ये तो कहा ही जा सकता है कि भाई जीवन को ही तुम अपना भगवान मान लो ना, जीवन को तो संवारो, जीवन तो सबको दिया गया है, उसको तो संवारो, चाहे हिंदू हो या नहीं हो, है ना। तो ये इस तरह, और ये सिर्फ एक एक वांग्मय मैंने जनरली यहाँ पर लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी वांग्मय में है और कहीं कुछ है ही नहीं, सिर्फ ये एग्जाम्पल है ना। जीवन साधना, परिष्कृत व्यक्तित्व, लोक आराधना, आत्मोत्कर्ष का प्रमुख आधार श्रद्धा, जो आस्था संकट कहा जाता है कि भाई सबसे बड़ी समस्या है आस्था संकट,
तो आस्था संकट के बारे में भी यहाँ दिया गया है कि व्यक्ति को आजकल जो विश्वास नहीं है धर्म पर, फिर अपनी क्षमताओं को न पहचान पाना, ज्यादातर लोगों का जीवन कैसे खत्म हो जाता है कि बड़े हुए, पैसा कमाया, शादी हुई, बच्चे हुए, बूढ़े हो गए, मर गए, है ना। मतलब एक अपने सेल्फ सेंट्रल लाइफ हो गई, एक परिवार सेंट्रल लाइफ हो गई, समाज के लिए कुछ नहीं कर पाए, है ना, राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान पाए वो। कुछ लोग हैं वो लो कॉन्फिडेंस के कारण बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। तो अपनी क्षमताओं को पहचानने का वेदों में भी दिया हुआ है, वेदों में भी इस तरह की चीजें दी हुई है कि अपने क्षमता को पहचानो, आप कोई साधारण नहीं हो, अपने आप को महत्वपूर्ण मानो। तो इसके विषय में भी बहुत अच्छा साहित्य सब है, 21 नंबर का वाङ्मय जैसे है, अपरित संभावनाओं का आगर, मानवीय व्यक्तित्व, फिर उसके अलावा चेतन अचेतन सुपर चेतन मन, उसमें भी यही चीज है, जो मनोविज्ञान के विद्यार्थी है उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण वाङ्मय है। फिर वैवाहिक जीवन की समस्याएं, ज्यादातर घरों में क्या होता है कि पहले तो शादी के लिए ही क्या करना चाहिए वो पता नहीं है, कैसा जीवन साथी ढूंढना चाहिए वो पता नहीं है, तो उसको विवाहोन्माद शब्द यूज किया है ना, विवाह के क्या आदर्श सिद्धांत होने चाहिए, है ना, विवाह संस्था में क्या विकृतियां आ गई है उसके ऊपर सब बातें की है ना, लड़के लड़की जो पसंद करते हैं तो उसका आधार क्या होना चाहिए, जीवन साथी पसंद करने का क्या आधार होना चाहिए, वो चीजें बहुत अच्छे से इसमें दी गई है। उसके अलावा खर्चीली शादियों पर जो बहुत पैसे बर्बाद होते हैं, दहेज के कारण जो समस्याएं आती है, इन सब चीजों का भी यहाँ पर दिया गया है। ये सब जो किताबें हैं वो पढ़ पढ़ के, उसमें से थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय कर करके लोगों ने गायत्री परिवार में अपने जीवन में उसको उतारा, उसी के कारण ये बहुत बड़ा काम हुआ है ना। अगर सपोज कि ये किसी को लगेगा कि भाई ये तो सब किताबें हैं, किताबों से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है, स्वाध्याय से बहुत कुछ फर्क पड़ता है। कि पहले तो ऐसा बहुत कम लोगों ने बताया है कि आपको क्या करना चाहिए, हमारे शास्त्र हैं, पुराने वेद है, उपनिषद है, सब कुछ है, पर उसको सरल भाषा में आज के समय के अनुसार क्या करना चाहिए वो इन वाङ्मय में सब में दिया गया है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी 17 वाङ्मय पढ़ लेने चाहिए, वो तो मैं भी नहीं पढ़ पाया हूँ, तो आपको कैसे मैं सलाह दे सकता हूँ, लेकिन ये है कि अपने जीवन को इस वाङ्मय के आधार पर आप उसका मूल्यांकन करिए, भले ही आपने एक पैराग्राफ पढ़ा है, लेकिन मूल्यांकन करिए कि भाई हम आगे जाके जो हमें जीवन साथी ढूंढना है तो हमारे हमें क्या देखना चाहिए, है ना, लड़के या लड़की में हमें क्या देखना चाहिए, तो वो सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन से संबंधित ही है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे काम की नहीं है, सब चीजें हमारे काम की ही दी है। गृहस्थ एक तपोवन, वो भी वही है, विवाह और दाम्पत्य जीवन का निर्वाह, दाम्पत्य जीवन की असफलता का कारण, बहुत सारे जो डिवोर्स वगैरह होते हैं, है ना, मैरिटल काउंसलिंग करके एक पूरा एरिया है जिसमें साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कपल की या फैमिली की चिकित्सा करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, संतान की संख्या नहीं स्तर बढ़ाए, ये सारा हमारे मिशन में देखने को मिलता है, इसको लोगों ने अपने जीवन में भी उतारा है। दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या है स्वार्थ परायणता, सेल्फ सेंट्रल लाइफ, अपने आप का ही सोचना, किसी और के बारे में ना सोचना, देश के बारे में, समाज के बारे में उदासीनता, मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे पास समय है ही नहीं, हम तो सिर्फ अपना ही करेंगे, ऐसे जो लोग होते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको समाज के लिए कुछ वो योगदान दें, उसके लिए कुछ वाङ्मय है, राष्ट्र समर्थ और सशक्त कैसे बने, है ना। उसके अलावा जो समाज में कुरीतियां भेद है, जाति भेद, लिंग भेद, अपने गायत्री परिवार में देखो तो कोई जाति भेद नहीं है, कहते हैं कि सब ब्राह्मण ही है, कोई अलग जाति है ही नहीं, तो इस तरह से जाति भेद और लिंग भेद, नर और नारी, नारियों को नीचा मानना, तो ये सारी चीजों में बहुत क्रांति करी है गुरुदेव ने, है ना, पूरे भारतीय समाज में एक बहुत बड़ी क्रांति करी है, इसीलिए आज करोड़ों लोग उनको मानते हैं, है ना, ऐसे बहुत से काम हुए हैं, है ना, जिसमें से ये नारी उत्थान का काम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल गायत्री परिवार का बहुत सारा काम क्षेत्रों में देखें तो लेडीज संभालती है,
तो इसके बारे में है। फिर बाल निर्माण, बच्चों का कैसे निर्माण करें, है ना, बाल संस्कार शालाएं कैसे चलाएं, उनको कैसे अच्छे संस्कार दें, वो सारी चीजें भी यहाँ पर दी गई है। परिवार में अव्यवस्था अराजकता जो फैल जाती है, अब गायत्री परिवार के अधिकतर घर देखो तो लड़ाई झगड़े कम दिखेंगे आपको, साथ में मिलके लोग स्वाध्याय करते हैं, छोटा सा एक प्रज्ञा पीठ कई लोगों ने बनाया है, किसी ने छोटा सा एक पुस्तकालय बनाया है, आपस में मिलके कभी जन्मदिन पर दीप यज्ञ वगैरह करते हैं, संस्कार करवाते हैं। तो कंपेरेटिवली देखा जाए तो क्रिएटिव काम ज्यादा होता है, और डिस्ट्रक्टिव जो आपस में लड़ाई झगड़ा और वो सब चीजें कंपेरेटिवली कम होती है। तो इसका कारण है कि ये सारे जो हमारे आधार स्तंभ है उसके बारे में लिखा भी गया है और उसका पालन भी किया गया है। तो लिखना भी बहुत जरूरी है, ये सारा चीजें लिखी हुई बहुत कम जगह मिलेगी आपको। तो ये वांग्मय का इस तरह से महत्व है, समाज निर्माण, परिवार निर्माण। आधुनिकतानी दौड़ में धर्म अध्यात्म की अवहेलना, आजकल क्या है, युवाओं को इंटरेस्ट ही नहीं है धर्म में, है ना, जो भी चल रहा है उससे उसमें वो मानते हैं कि ये सब तो बुढ़ापे का काम है ना। तो इसके बारे में भी बताया गया है कि भाई आप पढ़ते पढ़ते या नौकरी करते करते किस तरह से थोड़ी सी उपासना के लिए समय निकाल लेंगे, थोड़ा से भगवान के पाठ अगर बैठ जाएंगे मंदिर में, थोड़ा सा अगर आप समय निकालेंगे तो उससे आपको क्या लाभ होगा, वो सारी चीजें बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें बताई गई है। ईश्वर विश्वास और उसकी फलश्रुति, जो नास्तिक है भगवान में मानते ही नहीं है, ऐसे लोगों को हम कैसे उसका अस्तित्व के बारे में बताएं, कैसे वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत करें, तो वो सारी चीजें हमें जाननी चाहिए। तो इसमें से थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय जितना हो सके हमसे उतना हमें स्वाध्याय करना चाहिए। फिर पुनर्जन्म कर्म फल पर विश्वास, खुद लोग कहते हैं ना कि इसी जन्म में कितने भी पाप कर लो आगे कुछ है ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। ये आप अगर जिनको भी इंटरेस्ट है ऐसी चीजों में, अगर ये आप वांग्मय पढ़ेंगे, मरणोत्तर जीवन तथ्य एवं सत्य, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि किसी बच्चे को पिछले जन्म का सब कुछ याद था, उसको जो भाषा उसके माता पिता भी नहीं जानते थे वो दूसरे प्रांत की भाषा वो बोलता था, दूसरे देश की भाषा वो बोलने लग गया था, पूरा रास्ता उसने दिखाया छोटे से बच्चे ने कि मेरा घर कहाँ था। तो ये सारी चीजें सब उसमें लिखी हुई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें इस वांग्मय में है, मरणोत्तर जीवन तथ्य एवं सत्य, भूत प्रेत क्या है, पितर क्या है, कर्म फल, पुनर्जन्म, इन सब के बारे में इसमें बहुत अच्छा बताया है। पैरा साइकोलॉजी एक साइकोलॉजी की एक ब्रांच है, उसमें इसी तरह की रिसर्च की जाती है। तो ये मरणोत्तर जीवन तथ्य एवं सत्य पैरा साइकोलॉजी के परिप्रेक्ष्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब अगर ये सब चीजें जब हम पढ़ते हैं उसके बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि नहीं भाई पाप से बचना चाहिए, गलत चीजों से बचना चाहिए, गलत आचरण से बचना चाहिए, क्योंकि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भुगतना ही है उसको। क्यों एक बच्चा जो जन्म के टाइम पर दुखी होता है और एक सुखी होता है ना, एक कोई अंधा पैदा होता है एक स्वस्थ पैदा होता है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कुछ ना कुछ पिछले जन्म पर आधारित है, कुछ ना कुछ उसके पिछले जन्म में कुछ ऐसा हुआ होगा, ऐसा कुछ किया होगा जिसके कारण उसको भुगतना पड़ रहा है। आवाज आ रही है? जी हाँ सर, अब आ रही है, बीच में चली गई थी। हाँ, वो डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं क्या कारण हाँ था, सर, कोई बात नहीं। और यहाँ पर हम समस्याओं की बात समाप्त कर रहे हैं,
है ना, कि और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको आप जोड़ सकते हो। ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो उसको आप अपने अनुभव के अनुसार, अपने नॉलेज के अनुसार आप उसको चेंज भी कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यही लिखना है आपको, है ना। तो ये सारी समस्याओं के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है, गरीबी और उसका भी आपको यहाँ पर सॉल्यूशन किसी न किसी वांग्मय में मिल जाएगा। स्वरोजगार के ऊपर जो दिया है उसके भी आपको यहाँ पर किसी न किसी वांग्मय में मिल जाएगा। तो समस्याओं के निवारण, बहुत सारी समस्याएं, भले हमें यह भी दावा नहीं करना चाहिए कि सारी समस्याओं का निवारण है, हमें ये दावा करना चाहिए कि बहुत सी समस्याओं का यहाँ पर निवारण दिया है। और न केवल लिखा गया है, जो लिखा गया है उसके अनुसार गायत्री परिवार में ये सब काम भी होता है। कितने सारे पेड़ लगाए जाते हैं, गंगा सफाई और सारा काम किया जाता है। तो जितनी भी समस्याएं हैं उसके लिए, उसमें से बहुत सारी समस्याओं के ऊपर काम हो रहा है। तो ये टॉपिक क्लियर, समस्याएं मनुष्य जीवन की और उसका समाधान वांग्मय में, क्लियर है? किसी यस को सर, कोई क्वेश्चन? जी सर, अब एक, जो समाधान के अलावा हमारा वांग्मय क्यों महत्वपूर्ण है ना, तो वो उसके लिए हमने क्या किया है कि जितने भी 70 वांग्मय हैं, सारे वांग्मय के टॉपिक्स लिखे हैं। आपको सारा कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजों के बारे में अगर आप बता दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। इसमें रटना नहीं है, बस थोड़ा सा अपने विचारों को इसमें आपको प्रस्तुत करना चाहिए। तो समय के अनुसार हम सारे 70 वांग्मय की तो चर्चा नहीं करेंगे, और जो हम चर्चा कर चुके हैं उसकी है भी हम फिर से चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन कुछ चीजें जो समस्या का समाधान नहीं है, समस्या के अलावा अपलिफ्टमेंट के लिए, एक तो होता है समस्याओं को दूर करना और दूसरा होता है कि अपना उत्कर्ष करना। तो अपने उत्कर्ष के लिए जो साधना से संबंधित वांग्मय है, गायत्री उपासना से संबंधित वांग्मय है, और भी दूसरे वांग्मय है, तो वो भी महत्वपूर्ण है। तो उसका भी हम महत्व लिख सकते हैं कि इस वांग्मय का क्या महत्व है ना। वैसे तो पूरे 70 वांग्मय महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम लिखें तो भी कम पड़ जाएगा, पर सब लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर कि भाई इस वांग्मय का ये महत्व है, इस वांग्मय का ये महत्व है, इस तरह का लिखा जा सकता है। और भी किसी को कुछ आइडिया हो तो आप बता सकते हो, तो इसको लिखने के लिए उस तरह से भी हम लोग कभी चर्चा कर लेंगे। जो सबसे पहला वांग्मय है युग दृष्टा का जीवन दर्शन, अगर आप इसी वांग्मय में लास्ट में देख लोगे ना, तो सारे वांग्मय के बारे में थोड़ा थोड़ा दिया है। ये फर्स्ट नंबर के वांग्मय में कि एक नंबर के वांग्मय में क्या है, दो नंबर के वांग्मय में क्या है, 70 नंबर के वांग्मय में क्या है, वो सब इसी वांग्मय में दिया हुआ है। तो इसी में से आपको, आपके लिए बहुत अच्छी नोट्स बन जाएगी। उसके अलावा जो कहते हैं ना कि बहुत ही एक प्रचलित किताब है, हमारी वसीयत और विरासत, वो भी इसी वांग्मय में से बनी हुई है ना। तो इस तरह से, और गुरुदेव की जीवनी जो आपके सिलेबस में है, तो उसके बारे में भी इस वांग्मय में दिया हुआ है। फिर साधनाओं के ऊपर बहुत सारे वांग्मय है ना। जिन लोगों को हिप्नोटिज्म वगैरह सीखना है तो उसके बारे में भी ये 6 नंबर के वांग्मय में है ना। ये जीवन देवता की बात हमने कर ली, उपासना की बात कर ली, सारे साधना पद्धतियों का ज्ञान, यहाँ भी कर्म योग के बारे में दिया है 4 नंबर के वांग्मय में। पांच नंबर आहार और साधना, यहाँ भी योग, योग के नाम पर मायाचार। कुछ कुछ अगर आप चैप्टर्स पढ़ लो या चैप्टर में से भी कुछ थोड़ा सा पढ़ लो, ये जो वर्ड फाइल है उसको भी हम अपलोड कर देंगे पीडीएफ फाइल बना के। तो आपको वो उसमें से कुछ सर्च करना है कोई शब्द, तो हिंदी में ये बनाया गया है क्योंकि सारे वांग्मय ये हिंदी में है, तो आप हिंदी में सर्च करके
योग वगैरह सर्च करोगे तो कहाँ कहाँ योग है, कौन कौन से वांग्मय में, वो सारी चीजें आ जाएगी, है ना। प्राणायाम की कौन से वांग्मय में है, आसन कौन से वांग्मय में है, और भी सारी चीजें कौन से वांग्मय में है, वो तुरंत सर्च कर पाओगे आप। तो इसलिए इसको हम अपलोड कर देंगे, गायत्री साधना, गायत्री की देनी के में विशिष्ट साधना है, ये बहुत सारी चीजें इसमें सब दी हुई है। पंचकोश का जागरण, जो जो लोग पंचकोश के ऊपर काम करना चाहते हैं। षट चक्र का भी दिया हुआ है, इसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, 21-22 नंबर की। फिर अध्यात्म विज्ञान और अध्यात्म पूरा, ये जो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद विभाग से संबंधित है, कुछ चीजें जिनको इंटरेस्ट है वो इसमें पढ़ सकते हैं। फिर यज्ञ के ऊपर है, ऐसी भी बहुत कम संस्थाएं होगी आर्य समाज और एक दो और संस्थाओं के अलावा जिन्होंने यज्ञ के ऊपर विस्तार से सब बताया हो, तो उसमें से गायत्री परिवार एक है। बहुत ही विस्तार से हमने वांग्मय में भी लिखा है और बहुत सारे यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ वगैरह सब आयोजन करके उसका भी महत्व लोगों को समझाया है। ये क्योंकि एक पेज में 1 से 10 है, इसलिए इस तरह से हो रहा है। मैं फटाफट निकाल दे, चांद्रायन साधना के बारे में लिखा है, स्वर योग, स्वर्ग योग के बारे में आपको, ये कौन सा नंबर है वांग्मय, 7 नंबर, 7 नंबर के वांग्मय स्वर योग के बारे में, ईश्वर कौन है, कहाँ है, जो लोग देख रहे हैं मोबाइल में उनको तो समझ में आएगा कि क्या क्या हम चर्चा कर रहे हैं। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, ये प्राण शक्ति जो प्राणी हीलिंग है, तो प्राणी हीलिंग का मूल आधार जो हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव्स में है, वो इस वांग्मय में, 17 नंबर के वांग्मय में है। आपको अलग अलग ऑल्टरनेटिव सीखनी चाहिए, ऑल्टरनेटिव थेरापीज, तो वो ऑल्टरनेटिव थेरापीज में से एक ये भी है, प्राणिक हीलिंग, रेखी वगैरह, तो उसमें भी आपको ये बहुत काम आएगा। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म, ये नाद योग के बारे में इसमें दिया हुआ है, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये सारा 20 नंबर के वांग में, 20 नंबर और 40 नंबर दोनों योग के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यज्ञ का हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो 26 नंबर वांग्मय, युग परिवर्तन की बात यहाँ दी है, सूक्ष्मीकरण की बात करी है, रामायण का भी है, रामायण के बारे में भी लिखा है, यज्ञ कर्म कांड वगैरह हो गया। फिर 31 से 40 में क्या क्या है वो देखते हैं, संस्कृति संजीवनी, भगवद गीता और श्रीमद् भागवत दोनों के बारे में दिया है। रामायण के ऊपर 2 किताबें हैं, एक तो भगवान राम के ऊपर है और ये रामायण का है। 16 संस्कार, ये एकमात्र वांग्मय है जिसमें 16 जो संस्कार होते हैं अलग अलग, उसके बारे में दिया गया है। जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वांग्मय महत्वपूर्ण है, भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व, फिर ये भी महत्वपूर्ण है उनके लिए, समस्त विश्व को भारत का जस्तरण, ये भी सभी भारतीय को पढ़ना चाहिए कि क्या है हमारी भारतीय संस्कृति, क्यों हमने क्या क्या अनुदान दिए हैं विश्व को। थोड़ा उल्टा लेंगे, ये हम बात कर चुके थे, 40 नंबर, 39 नंबर, प्रज्ञोपनिषद के ऊपर एक वांग्मय है, फिर तीर्थ सेवन के ऊपर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीर्थ सेवन को हम थेरापी के रूप में देते हैं, यहाँ जो भी मानसिक रोगी आते हैं तो उनको बोलते हैं कि आप ये शांति कुंज में रहिए और 9 दिवस की साधना करिए, या यहाँ पर रहिए देव संस्कृति के आसपास में कहीं पर, और देव संस्कृति विश्वविद्यालय का 9 दिन तक रोज मुलाकात लीजिए, जो थेरापीस है वो सारी थेरापीस का लाभ लीजिए। तो तीर्थ सेवन एक अलग तरीके से है ना, केवल तीर्थ में जाने से कुछ फायदा नहीं होता है,
और वो किस तरह से उसका लाभ लेना चाहिए, उसको एक थेरेपी के रूप में कैसे यूज करना चाहिए, वो यहाँ दिया हुआ है। धर्म चक्र की हम लोग बात कर चुके हैं। चालीस, ये 42 नंबर भी बढ़िया है, ये भी आप लोगों के सिलेबस की कुछ चीजें इसमें कवर करता है, जैसे स्वच्छता है वो आपके आगे आगे वाले टॉपिक में है, कल शायद आरती में मिलेंगी। शारीरिक श्रम और व्यायाम वो भी इसमें दिया है ना, सौंदर्य बढ़ाने के उपाय ये भी इस वांग्मय में दिए है। तो 42 नंबर भी वैसे स्वास्थ्य से संबंधित है, तो 42 नंबर को भी आप ले सकते हैं। यत्र नार्यस्तु पुंज, ये भी उन लोगों को देना चाहिए जो ऐसा मानते हैं कि भाई पुरुष प्रधान समाज होना चाहिए, जो मानते हैं उनको भी इस तरह के वांग्मय में से कुछ चीजें पढ़ानी चाहिए। पूरा वांग्मय तो कोई नहीं पढ़ेगा, वो थोड़ा सा इसमें से अगर उन्होंने पढ़ लिया तो हो सकता है उनका जो दृष्टिकोण है वो चेंज हो जाए। इसकी हम चर्चा कर चुके, एक ये शिक्षा और विद्या भी है, नैतिक शिक्षा का क्या महत्व है वो इस वांग्मय में दिया है। फिर जिनको अगर फिलोसॉफी अच्छी नहीं लगती है या जो सैद्धांतिक चीजें बहुत अच्छी नहीं लगती है, तो रात के समय में अगर कुछ पढ़ना है तो रात के समय में अच्छी अच्छी कहानियां, प्रेरक प्रसंग, इस तरह के भी वांग्मय है कि उसको पढ़ोगे तो अच्छे स्वप्न आएंगे, जल्दी से अच्छी नींद आ जाएगी और भारी भी नहीं लगेगा, रात को बहुत भारी नहीं पढ़ते हैं। तो कहानियां हैं, कहानियां भी इसमें हमारे पास ऐसे वांग्मय हैं जिसमें कहानियां दी गई है, प्रेरक प्रसंग दिए गए हैं। ईश्वर विश्वास की हम लोग बात कर चुके हैं, मनस्विता, प्रखरता और तेजस्विता उसकी हम बात कर चुके हैं। ज्ञान, एक पूरा वांग्मय ज्ञान के ऊपर है, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। विवाहन मात की चर्चा कर चुके हैं। फिर ये लास्ट टोटल 7 पेज है, एक पेज में 10 वांग्मय की चर्चा है, यहाँ भी दूसरा वांग्मय भी है, 21वीं सदी नारी सदी, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। राष्ट्र की भी चर्चा कर चुके हैं, सामाजिक नीति के बौद्धिक क्रांति कैसे हो, शांति कुंज की प्रावण प्रशिक्षण प्रक्रिया, ये भी बहुत कम लोग जानते हैं कि इस तरह का भी लिखा हुआ है। फिर ये सूक्तियाँ, छोटी छोटी सूक्तियाँ जो आपको एग्जाम्स में लिखने में काम आती है, या कहीं कुछ आपको बोलना है, डिबेट कंपटीशन है, कहीं कोई आपको स्पीच देनी है, तो ये छोटे छोटी सूक्तियाँ और छोटे छोटे विचार बहुत काम आते हैं। तो ऐसे 2 वांग्मय हैं टोटल। प्रेरणाप्रद दृष्टांत जो मैंने बताया, कहानियां, ये अमृतवाणी का भी ये भाग है, और नए भी इस तरह का नया वांग्मय भी आ चुका है, पूज्यवर की अमृतवाणी, युग निर्माण योजना का एक पूरा वांग्मय है। इस तरह से ये 70 वांग्मय है, 70 वांग्मय का पूरा इसमें दिया हुआ है, और सभी के तीन चार टॉपिक्स लिखे हैं, और भी टॉपिक्स इसके अंदर है। मुझे लगता है ये पीडीएफ फाइल आपको हमेशा संभाल के रखनी चाहिए, मैं अभी गूगल क्लासरूम में क्लास के बाद अपलोड कर दूंगा, तो इसको संभाल के रखना, कहीं भी काम आएगी। उसकी प्रिंटआउट्स निकाल के भी कहीं दी जा सकती है कि भाई ये किसी लाइब्रेरी में, कि भाई ये आप अगर मंगवा लें तो लाइब्रेरी में ये सारी चीज़ें आपके बहुत काम आएगी, तो ऐसा करते करके किसी लाइब्रेरी में भी इसके बारे में जानकारी दी जा सकती है। तो आज के ये दोनों टॉपिक समाप्त होते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन? नहीं सर। आशा है कि सुना होगा सभी स्टूडेंट्स ने, नहीं सुना है तो वो आपका ही नुकसान है। टीचर्स क्योंकि कभी अपने फ्लो में कुछ बताने लगते हैं ना, तो कई बार फिर वो ध्यान नहीं रहता है कि हमें बीच बीच में पूछना भी है स्टूडेंट्स को। आज मैंने बोला तो था कि मैं पूछूंगा, लेकिन फिर याद ही नहीं रहा, पर कभी भी किसी को भी पूछ सकते हैं, है ना।
अगर किसी ने जवाब नहीं दिया दो तीन बार पूछ, कुछ लोग तो इवन खत्म हो जाता है तब वो सब लोग लेफ्ट कर जाते हैं और वो कहीं छोड़ के चले गए होते हैं तो वो लेफ्ट भी नहीं करते हैं। तो इसका मतलब यही है कि आपको क्लास नहीं करनी है, बस अटेंडेंस चाहिए, है ना। तो ऐसा मत करिए, थोड़ा सा अटेंटिव होइए जितना हो सके उतना। हम कोशिश करेंगे आपको कि आपको जितना इंटरेस्टिंग हो सके उतना बनाएंगे। अगर आप लोग पार्टिसिपेट करोगे और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा, है ना। देखो इसमें रेज हैंड का भी ऑप्शन है, आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, या मैं तो कहता हूं कि अगर आप जो भी हमारा टॉपिक चल रहा है उससे संबंधित कभी भी कुछ भी पूछना चाहते हैं, बीच में से माइक ऑन करके आप प्रश्न पूछ लेंगे तो किसी को डांट नहीं पड़ेगी। अगर हमारे इससे संबंधित ही है कुछ ना कुछ आप अगर पूछना चाहते हैं तो। जो लोग ऐसे ही डिस्टर्ब कर देते हैं और कुछ लोगों का ध्यान नहीं रहता है और माइक ऑन रह जाता है, उन लोगों को तो ध्यान रखना चाहिए, पर जो प्रश्न पूछना चाहता है उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम बीच में माइक ऑन कर देंगे तो डांट पड़ेगी। नहीं, इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आप लोग भी अगर कुछ कुछ बोलेंगे, कुछ प्रश्न पूछेंगे तो आपको ये बोरिंग नहीं लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, है ना। तो एक बार अटेंडेंस ले लेते हैं। अब इसमें तो आपको बोलना ही पड़ेगा, जिनका नाम आता जाए वो माइक ऑन करते जाए। हाँ बोलो। सर, इतने हाँ वांग्मय शुक्रा में से बोलो। हम लोग कितने वांग्मय को करेंगे? मैं वही कह रहा हेलो, था कि आपको कुछ भी रटने की कोई जरूरत नहीं है, इवन वांग्मय के नाम भी रटने की जरूरत नहीं है कि 70 के 70 वांग्मय का नाम लिखो। जो हमारा टॉपिक था कि जो क्या महत्व है हमारे युग निर्माण वांग्मय का और आज के समय में उसका क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब कि आज के समय में वो कितना रिलेवेंट है, कितना उसका कुछ महत्व है, तो वो चीजों को समझाने के लिए मैंने ये उदाहरण प्रस्तुत किया। ये सारा चीजें हमने बहुत मेहनत करके सब बनाया हुआ है, आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। जितना भी आप एग्जाम्पल के तौर पर आप 4-5 वांग्मय का लिख दो, सिर्फ टॉपिक टॉपिक, है ना। और पढ़ने के लिए तो क्या है कि पढ़ने के जो आपका टॉपिक है उससे संबंधित केवल वो चैप्टर पढ़ लो। जैसे कल अगर मांसाहार की बात होगी तो मांसाहार में कुछ लोग कुछ तो चीजें आप खुद जानते ही होंगे, जो नई चीजें आप टीचर आपको बताएंगे और उससे संबंधित आपको जो पढ़ना चाहिए तो वो कौन से वांग्मय में है, कौन सा चैप्टर है वो देख लो बस, है ना। तो सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है शुभ्रा। हेलो शुभ्रा, सर आज उसका और नेट किसी नहीं को चल कोई रहा है ठीक क्वेश्चन? से शुभ्रा को। नो सर, कोई बात नहीं। हाँ तो मैं अटेंडेंस ले रहा हूं, आपको माइक ऑन करके यस बोलना है। आकांक्षा वर्मा, प्रेजेंट सर। आंचल, यस सर, जी अनमोल, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट अनमोल का सर, अभी तो चल रहा था। हाँ ओके ओके हो गया। अन्नू, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट अनुराधा, PSCIT, एक ही बार आई है अनुराधा। सर। ये एनसीसी कैंप में है। हाँ तब तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एब्सेंट लगेगी वहां से वहां से उसको उसको एडमिशन एडमिशन मिल जाएगी, ओके सर। कोई दिक्कत नहीं है। विभूति, प्रेजेंट सर, धर्मवीर, प्रेजेंट सर, दिव्या, प्रेजेंट सर, दिव्या तुम्हारे भी बहुत एब्सेंट है यार, पहली बार आई हो तुम। सर एक्चुअली हमारा फोन खराब हो गया था सर, तो कल ही फोन ठीक हुआ है। अच्छा चलो। पल्लवी, प्रेजेंट सर, हाँ पहले नाम था महीप। जी प्रोजेक्ट।
राजनंदनी राजनंदनी है सर, ये ज्वाइन नहीं हो पा रही थी, इसने ग्रुप में साक्षी मैसेज किया था। राजनंदनी ने कि साक्षी ने। हाँ सर, राजनंदनी ने। हाँ, एक मिनट। हाँ, वो है प्राणी घिलिंग सामने की ओर है ऐसी तरह से। अच्छा, उस साइड। हाँ, साक्षी ज्वाइन नहीं हो पा रही थी। नो सर, साक्षी एनसीसी कैंप में है सर, और साक्षी तो राजनंदन एनसीसी ज्वाइन कैंप नहीं में हो है। पा रही थी। ओके चलो, आज तो लगा देते आज हैं तो लगा प्रेजेंट, पर देते अब से आपको वो स्क्रीनशॉट भी भेजना पड़ेगा कि क्या दिक्कत आ रही क्या थी वो, दिक्कत आ रही थी वो, है ना। उसमें तो स्क्रीनशॉट लेने में इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती, अपने मोबाइल से ही हो जाता है। गुरुजी ग्रुप पे के रखा हमने सर, भेजा है उसने सर, क्या ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजा है उसने। ठीक है, हाँ तो मैंने लगा दी है आज तो अटेंडेंस। वो ग्रुप का मैं है ना बहुत कम देखता हूँ व्हाट्सएप, पर सिर्फ पर आज तो अटेंडेंस लगा दी है। अटेंडेंस लगा दी है, ठीक है सर। शिखा, शिखा यादव, किसी को कोई है जानकारी शिखा यादव की? शिव शरण जायसवाल, सर ये कौन से कोर्स से है? शिखा यादव बीए साइकोलॉजी लिखा है, कभी नहीं आई है वो अभी तक। आज ये चौथी क्लास है पर एब्सेंट ही चल रही है। शिव शरण जायसवाल है, वो भी एक ही बार प्रेजेंट है। सर इसमें शुभ्रा, मेंशन तो हो रहा है, दिख तो रहा है, बट वो बोल नहीं रहा, पता नहीं। अच्छा दिख रहा है। यस सर। हाँ तो सर छोड़ के चले गए होंगे ना, यही तो दिक्कत है ना। हाँ शुभ्रा का हो गया प्रेजेंट। फिर सोनम, ये भी कभी नहीं आई है, ये भी बीए साइकोलॉजी की है। सोनम कुमारी है? नहीं है। श्वेता कुमारी? नो सर, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट हो। सारथी सुमन? यस सर। मैं एब्सेंट के नाम बोल रहा हूँ। अनुराधा यादव बीएससीआईटी, फिर साक्षी सिसोदिया बीएससीआईटी, उसके बाद है शिखा यादव बीए साइकोलॉजी, शिव शरण जायसवाल बीएससी योग, सोनम कुमारी बीए साइकोलॉजी। इतने एब्सेंट है। शांति पाठ। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, रोषधय शांति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति, सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। किसी को पूछना है तो रुक सकते हैं, वरना आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर, प्रणाम। प्रणाम।